कल 17 जून है। हम सारे अभ्यर्थियों से यही कहेंगे, जो भी अभ्यर्थी हैं अपने न्याय के हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, रिजल्ट को लाने के लिए कल जोरदार प्रदर्शन करने के लिए सभी ज़िले से, जो पटना के करीबी ज़िला हैं जैसे जहानाबाद, गया, अरवल, गया, सासाराम, आरा, बक्सर, रोहतास, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बख्तियारपुर, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इत्यादि जो ज़िला हैं, अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट निकलें और अपने न्यायिक अधिकार के लिए, अपने रिजल्ट लाने के लिए एक दिन की सहयोग, आप सबसे हम हाथ जोड़ के पूर्ण निवेदन करते हैं कि आप लोग एक दिन सहयोग करें और पटना की धरती पर रिजल्ट लाने के लिए अपना उग्रसित करें। हम वादे के साथ कहते हैं कि हर स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, जो पास होगा उसे भी नौकरी मिल जाएगा। तो अपने अधिकार के लिए, अपने हुनर के लिए चलिए एक बार पटना मित्रों, जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है, आप सब जानते हैं। मैं उन सभी तमाम स्टूडेंट से जो पटना के नज़दीकी ज़िला वाले हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलें। माँ बहन जितने भी हैं, जो हमारी छोटे उम्र के हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं और जो हमसे बड़े हैं वो भैया और दीदी के समान हैं, तो मैं उन सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में कल पटना की धरती पर BSCB गेट के सामने सिन्हा लाइब्रेरी के पास 17 जून को 10 बजे पहुँचें। वहीं हमारी ताकत की लड़ाई की एकता होगी और वहीं हमारी जीत की मिसाल होगी, क्योंकि 17 जून को अगर पटना पहुँचेंगे तो हम लोग पक्का कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में होगा मित्रों, और नौकरी भी एग्जाम से पहले, चुनाव से पहले हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो कम या ज़्यादा नंबर वाले से, सभी तमाम अभ्यर्थियों से, क्योंकि अगर हम लोग आंदोलन किए तो रिजल्ट आएगा पक्का है, ये जान लीजिए, और आज ही मौका है कल 17 जून को अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। विद्यार्थी के सामने कितने भी तूफान क्यों ना खड़ा हो, कोई मुश्किलें क्यों खड़ा ना हो, उसे अपने हक के लिए लड़ना है और सभी को अपने घर से निकलना है। और इसलिए 17 जून को जो पटना के नज़दीकी जिला से स्टूडेंट हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने वर्चस्व दिखाते हुए, रिजल्ट की मांग करते हुए बिहार बोर्ड को गेट के सामने तोड़कर रिजल्ट ले आना है हाथ से निकाल कर। हम अन्याय क्यों सहन करेंगे, अन्याय सहन नहीं करना है, रिजल्ट लेके रहना है। आवाज़ दो जितने भी तमाम अभ्यर्थी, स्टेट अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं, जो पास होने के कगार पर हैं, जो कम या ज़्यादा नंबर हैं। हम पहले भी कह रहे हैं कि 71,000 सीटों पर रिजल्ट होगी, लेकिन कब, जब आप लोग अपने घर से आवाज़ देने के लिए निकलिएगा, आंधी पानी क्यों न रहे, बाढ़ वर्षा क्यों न रहे, रिजल्ट लेके रहना है। एक ही आवाज़ हमारी है, यह स्टेट रिजल्ट हमारा है। मैं तमाम अभ्यर्थियों से जो बिहार के रहने वाले हैं, भाई बहनों से आग्रह करूँगा कि कल के दिन निकले मेरी बहन, कल के दिन निकलो मेरे भाई, कल हमारा दिन है, वो जीवन छोड़ना नहीं है, वो छोड़ दिए तो भूल जाइए कि रिजल्ट होगा, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। और रिजल्ट के लिए मन से पढ़े लिखे तब जाके रिजल्ट हमारे हाथ में आया। इसलिए हम तमाम अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर फिर से कहते हैं, पटना के नज़दीक के जितने भी ज़िला हैं, लखीसराय, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, सासाराम, रोहतास, आरा, बक्सर, दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा इत्यादि जितने भी ज़िले नज़दीक के हैं, समस्तीपुर, ये सभी ज़िला से स्टूडेंट अधिक से अधिक मात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं बिहार बोर्ड BSCB गेट के सामने सिन्हा लाइब्रेरी के पास सुबह 10 बजे 17 जून को। घर से निकले मित्रों, कल के दिन रुकना नहीं है, किसी के कहे में रहें बहकावे में नहीं आना है, रिजल्ट लेके रहना है। स्टेट अभ्यर्थियों का एक ही नारा, रिजल्ट हमारा हो हमारा। स्टेट अभ्यर्थियों का एक ही नारा, स्टेट रिजल्ट हो हमारा।